सबको बदमाशी आती नहीं और मेरी जाती नहीं। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं जल्दी से। हेलो गाइस, वेलकम बैक, क्या हालचाल, आई होप अच्छे होंगे। तो भाई आप देख रहे होंगे सस्ते टाइगर श्रॉफ को। अबे नमूने, कल तक तेरा डायलॉग था जिमी आटा मारूंगा चाटा, कल तक तू ये बोलता था, आज तेरी डायलॉग ही बदल गया। बहुत बढ़िया, ये जिमी नहीं सुधरेगा। $50 मिलियन का तो इसने झटका ले लिया। फिलहाल ट्रेवर ने इसको बहुत उल्टा सीधा बोला, बट ये बेशरम है, इसको कुछ नहीं होने वाला है। बोल रहा ट्रेवर अंकल सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो फिलहाल भाई आपको पता है, लास्ट वाले ब्लॉग में जिमी को एक आंटी बहुत अच्छे से बेवकूफ़ बना करके चली गई। ट्रेवर ने फिर बोला, अबे बेवकूफ़, मैंने वो वाली दुकान से सामान नहीं लिया था, दूसरे से लिया था, दोनों दिखने में एक जैसी है। जिमी भाई दूसरी में चला गया, अब क्या कर सकते हैं। वैसे इससे यही उम्मीद की जा सकती है, जिमी नहीं सुधरेगा। तो आज इसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम दिया है ट्रेवर ने, वो ये कि आज भाई इसको कलेक्ट करने कुछ डायमंड की गाड़ियाँ जो कि ट्रेवर ने ऑर्डर करी थी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, टीम वाले बंदों के लिए। तो जिमी को एक काम सौंपा, क्योंकि आपको पता है ट्रेवर बहुत बिजी चल रहा है ऑलरेडी, वो बड़ी बड़ी प्लानिंग बना रहा है मिलिट्री को बेवकूफ़ बनाने के लिए, चीज़ें करने के लिए। आपको पता है ट्रेवर बिजी रहता ही है, तो छोटे मोटे काम जिमी आटा ही करेगा, आपको पता ही है। तो फिलहाल आज काफ़ी जिम्मेदारी का काम है। वैसे भाई ये भी 1% मान लीजिए अगर जिमी आटा फेल होगा डायमंड की गाड़ी लाने के लिए, तो नुकसान पता है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 50 मिलियन से भी ज़्यादा नुकसान होगा। बट फिर भी ट्रेवर काफ़ी भरोसा करने लग गए धीरे धीरे इस पर। ट्रेवर ने सोचा कि जिमी कर लेगा, वैसे मेरे को नहीं लगता भाई, ट्रेवर को लगता है बट मुझे नहीं लगता ये कर लेगा। एयरपोर्ट पे जाना है, एयरपोर्ट से ही गाड़ी लेकर के आनी है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो देखो एयरपोर्ट से भी लेकर के आ सकता है नहीं आ सकता। तो फिलहाल आज के व्लॉग वैसे तो काफ़ी अच्छे से, हमारा प्यार जिमी कर ले यार, तो आज तो कर ले। पिछली बार तो तुमने पूरी बेइज्जती करवा दी थी, मतलब पुलिस में अरेस्ट हो गया था, बहुत उल्टे सीधे काम हो रहे थे तेरे साथ में। अबे ऐसे माफिया बनेगा तू, जिमी तेरे ऊपर पूरा ट्रस्ट किया है ट्रेवर ने, बन के दिखा माफिया। पहुंचते भाई गाड़ी लेने के लिए, भाई जिमी आटा पहुंच चुका है जगह पर बेचारा। पिछली बार 50 का जो नुकसान हुआ था ना, अब क्यों उसको रिकवर करना सोच रहा है, ट्रेवर के लिए बहुत अच्छे से काम करना सोच रहा है, ताकि अब क्यों ट्रेवर गुस्सा ना करे। तो ये वाली गाड़ी मंगाई है ट्रेवर ने भाई, ये तो हमें कुछ बताता ही नहीं है वीडियो के टाइम, मिशन के टाइम, मतलब ट्रेवर काम करते रहता है। ये गाड़ी इस टाइप गाड़ी एक मैंने देख के रखी है, बट भाई अब की बार नहीं है, लास्ट टाइम थी और ये बड़ी खतरनाक कार थी, बट फिलहाल इस ऐसे नॉर्मल कार है, बट ये डायमंड की है। हेलो चाचा, मैं इसको लेने के लिए आया, लाए चाबी दो, मैं निकलता हूँ लेकर के। तो फिलहाल भाई बंदे से की मैंने ले लिया, बंदा बोल रहा है कि आराम से चलाना, स्पीड अच्छी है इसमें, कभी तुम गाड़ी को कहीं लगा मत देना, तो ड्राइवर सर मेरे को बहुत मारेंगे। नहीं भाई कुछ नहीं बोलेंगे ड्राइवर सर तुम्हें। अरे भाई मैंने बोला था ना, इस गाड़ी में रॉकेट भी है, ये 2-in-1 कार है, ये डायमंड की भी है और ऊपर से इसमें रॉकेट भी है, बहुत सही है जी बेटे। अरे भाई जंप भी मारती है जिमी। नहीं जिमी। अबे भाई पहली बार में तूने गाड़ी का नेता बनवा दिया, तेरे को ड्राइवर बहुत तोड़ेगा। चल इसको रिपेयर करवा के लानी है, एक साथ दोनों काम हो जाएंगे, जैसे रिपेयर भी हो जाएगी गाड़ी, इसको मॉडिफाई भी कराना है भाई। ड्राइवर ने बोला था जब गाड़ी आ जाए ना, इसके टायर्स वगैरह बदलवा देना और 2-4 मॉडिफिकेशन करवा के तब गैरेज में लेकर के आना, एक ही गाड़ी लेकर नहीं आनी जिमी को। ये बंदे से पूरी बात मैंने पहले ही फ़ोन पे कर ली थी, ये गाड़ी अब लेकर के जा रहा हूँ, अगली गाड़ी की डिलीवरी आएगी 2 घंटे के बाद में। तो जब तक 2 घंटे बहुत टाइम होता है, एयरपोर्ट के पीछे ही ना लॉस सैंटोस कस्टम्स है, वहीं पे गाड़ी रिपेयर करा लेता हूँ। ये क्या नमूना है, इसने गेट ही ओपन नहीं करा, तो पीछे की तरफ ही गाड़ी मॉडिफाई आप करा सकते हो एयरपोर्ट के पीछे, मेरे को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। चलिए पहुँचते हैं। तो जिमी आटा बेचारा देख रहे हो कैसे कैसे काम करवाते हैं इससे भाई। फाइनली थोड़ी देर के बाद भाई जिमी आटा बेचारा लॉस सैंटोस कस्टम्स में पहुंच चुका। तो चलिए भाई इस गाड़ी की मॉडिफिकेशन कराते हैं। हेलो भाई, मैंने बहुत देर से इस बंदे को हॉर्न बजा बजा के बुलाने की कोशिश करी, नहीं भाई ये बंदा नहीं आ रहा, शायद से लगता है ये फिर बंद है लॉस सैंटोस कस्टम, ये काम नहीं करेगा। चलो तो जिमी ब्रो फिर यहाँ से निकलो, एक काम करते हैं गाड़ी को घर पे लेकर के चलते हैं, इसको पार्क करते हैं, 2 घंटे के बाद आ जाएंगे, गाड़ी मॉडिफिकेशन बाद में करा लेंगे, नहीं तो भाई करा ही लेते इसको। चलो एक काम करते हैं बैनी की शॉप में लेकर के चलते हैं, फिर यहाँ पे नहीं हुई तो बैनी तो करवा ही देगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो करा ही लेंगे हम। जिमी आटा गाड़ी घर पे लेकर के जा रहा था भाई, मुझे ऐसे लगता है ये प्रॉब्लम में है, मुझे लगता है जिमी प्रॉब्लम में है। जिमी गाड़ी मत रोकना बिल्कुल भी, ड्राइवर को फ़ोन मिला, क्योंकि भाई कोई बंदा फॉलो कर रहा है जिमी को गाड़ी के साथ में, मैप पे मैं देख पा रहा हूँ। अरे अरे जिमी आटे के पास तो गन वन भी नहीं रहती, मुझे लगता है इसको गन देनी पड़ेगी, ड्राइवर से बात करनी पड़ेगी, सेफ्टी के लिए गन तो होनी चाहिए। अबे घर में लेकर घुस गाड़ी को, इससे पहले कुछ गड़बड़ हो जाए, ये गाड़ी चोरी करने के लिए बंदे आ रहे हैं या फिर कुछ और करने के लिए। अरे भाई ये तो गड़बड़ बच गई, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था जिमी तो मुसीबत पड़ सकता है। जल्दी पहुँच ड्राइवर घर पर, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी देर में पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि घर पर जा करके जिमी सेफ हो सकता है भाई, क्योंकि जिमी के पास कोई सिंगल वेपन नहीं है, अगर गोली चली तो जिमी का यहीं पे एनकाउंटर हो जाएगा। मैप पे मैं देख पा रहा हूँ बंदे अभी काफ़ी दूर है, हो जाएगा। गाड़ी बहुत अच्छी है जैसे कि आप देख रहे होंगे, गाड़ी की स्पीड भी काफ़ी अच्छी है भाई। अभी ना थोड़ी देर बाद में आएंगे गाड़ी लेने के लिए, हम मानते आज कलेक्ट कर रहे थे ड्राइवर के लिए सारी गोल्ड की, मतलब डायमंड्स की गाड़ी है, ड्राइवर नहीं बोला था, बट मुझे लगता है भाई जान है तो जहान है। बेटे जिमी आज के ब्लॉग में उसे इतना ही ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है अगर जिमी के ऊपर खतरा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, ड्राइवर को बोल दूंगा, ड्राइवर कुछ नहीं बोलेगा, सीधी सी बात है भाई, जिमी की जान को खतरा था तो ड्राइवर बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लेकर के आ जाना गाड़ी, मेरे को इस गाड़ी को लेकर घर में घुसना पड़ेगा। वैसे बंदे अभी तक मेरे पास पहुंचे नहीं, क्योंकि मैंने पहुंचने नहीं दिया, बट फिर भी हम सेफ हो गए। चलिए भाई सेफली ड्राइवर घर तक मैं पहुँच चुका हूँ,
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बस चलो चलो चलो, सामने मैरी का घर आया और उसी के सामने ट्रेवलर घर आ जाएगा। अब आकर के दिखाए ट्रेवलर घर में बंदे, ट्रेवलर घर में बंदे मतलब नहीं आने का भाई, कोई कुछ भी कर ले ट्रेवलर घर में बंदा नहीं आ सकता, ठीक है ना, कोई खतरा तो नहीं है। चल 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 जीवी, गाड़ी को लेकर के निकल, फिलहाल गाड़ी गैरेज में खड़ी करते। फिलहाल चलिए भाई, गाड़ी आराम से पार्क हो जाए, बस यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, सेफ हाउस है भाई, यहाँ पे कोई नहीं आने वाला मेरे को इतना पक्का पता है। सब बंदे भाग जाएंगे जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ मैप पे, बंदे होना कम हो गए हैं। जिमी थोड़ी देर वेट कर, पता करते हैं, देखते भाई बंदे यहाँ पर आ रहे हैं नहीं आ रहे। अगर आएंगे तो जिमी एक काम कर, बेसमेंट में घुस जाना, क्योंकि ट्रेवर नहीं है ना ही यहाँ पर माइकल है। जिमी व्लॉगिंग के चक्कर में मारा जाएगा बेचारा अकेला, चौकीदार कोई पीटते सब आपको पता ही, अकेला है घर पे और कभी इसको ही पीट के चले जाए। फिलहाल भाई मैंने आपको बोला था ना, बंदे ट्रेवलर घर में बिल्कुल नहीं आएंगे, चाहे कहीं भी आ जाए कोई नहीं आए, जैसे कि मैप में भी देख पा रहा हूँ कोई नहीं है। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है अभी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, क्या पता बंदे बाहर की तरफ हो और जिमी के ऊपर अटैक हो, ये बाद में ट्रेवर को बता देता हूँ, और जैसे ट्रेवर बोलेगा फिर बाद में गाड़ी लेकर के आ जाएंगे। कोई बात नहीं भाई, एक दो घंटे के बाद ले लेंगे बाद में। तो जिमी बेटे मुझे लगता है व्लॉग का एंड करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि भाई खतरा नहीं होना चाहिए। देखो जिमी के पास सिंगल ही वेपन नहीं है, एक भी वेपन नहीं है ना पिस्टल अपनी सेफ्टी के लिए, और वैसे भी खतरा हो जाएगा आपको पता है, ये ट्रेवर नहीं है ये जिमी है भाई, लग गई ना गोली तो माइकल रोने लग जाएगा। इसलिए जिमी ब्रो घर के अंदर रहे, मजे ले, बाद में देखते हैं जो कुछ होने वाला है। तो बस फिर भाई फिलहाल इस वीडियो के साथ, तो ये वीडियो कैसे लगी आपको, ट्रेवर की नई डायमंड की गाड़ी कैसे लगी, और भी आती लेकर के हम लोग आते बट थोड़ी प्रॉब्लम हो गई आपको पता ही है, वो भी बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं कर लीजिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।